दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू 2023 के अपने पहले वीडियो है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल गिफ्ट इस वीडियो में बात करने वाले हैं फायरबोल्ट ग्लैडिएटर के बारे में। और हमारे पास आपके लिए थोड़े से गिफ्ट है यहाँ पे। इसमें से जो 5 बॉक्सेस हैं ये हैं आपके लिए। गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना, रूल बता देंगे आपको। अब भी हम लोग डायरेक्टली वीडियो तरफ बढ़ते हैं। अब जो इस वॉच का डिजाइन है काफी हद तक जाना पहचाना लग रहा है हम लोग को। एक महीने पहले इससे मिलते जुलते वॉच का रिव्यू कर रखा है, लेकिन ये एक्चुअल में क्लोन है। फायरबोल्ट वाला क्लोन नहीं कह सकते हो आप। फायरबोल्ट वाला डिजाइन काफी हद तक सिमिलर है, बट अंदर का माल मसाला काफी डिफरेंट है। इसको हम लोग टेस्ट वेस्ट कर रहे थे। इनका ये ब्लैक कलर वेरियंट है, बाकी एक गोल्ड ब्लैक कलर है। इसको हम लोग आपके लिए अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे एक्स कैप्टन साहब यहाँ पे आ चुके हैं, MS धोनी। बॉक्स पे वॉच के फीचर्स मेंशन किए गए। सबसे पहले आपको कुछ ज्ञान की पुस्तक, और ये रहा वॉच अपना, और ये रहा इनका पोगो पिन वाला चार्जर। अब ये चार्जर आपने बहुत बार देखा होगा, मैं इसको लास्ट ईयर से देख रहा हूँ, मतलब 2023 में देखना ही मेरे को लग रहा है ऐसा। और कुछ फायरबोल्ट हीरो हीरोइन, कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स और एक साल की वारंटी। अब ये वाला डिब्बा मैं पैक कर देता हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि भाई भेजना भी होगा। और अभी बात करते हैं वॉच के बारे में। सबसे पहले बात, थोड़ा सा हेवी साइड पे फील हो रहा है ये लो वॉच। बैक साइड से यहाँ पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है, और पूरा मेटल बिल्ड है, एकदम तगड़ा वाला मेटल है ये। और आगे से हल्का सा कर्व डिस्प्ले है, क्लोन ऐसे पूरा फ्लैट सा होता है, ये कर्व सा है। और सामने से देखने में एक अच्छी सी वॉच लगती है भाई। इसका जो गोल्ड वाला फ्रेम है देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है, इवन ब्लैक वाले में भी फ्रेम काफी अच्छा सा देखने में लग रहा है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर अवेलेबल है। लाइट गोल्ड कलर है ये वाला, गोल्ड कलर जो अपने पास है, पूरा कंप्लीट ब्लू कलर, और ये है ब्लैक कलर। तो आपको जो पसंद होगा आप उसको ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अभी बात करते हैं वॉच के बारे में, ऑन कर लेते हैं फायरबोल्ट। और जिसका स्ट्रैप है एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का, मतलब ये 2000 वाले वॉच वाला नहीं, थोड़ा प्रीमियम सा है। इसका स्ट्रैप भाई निकलेगा नहीं बाहर, ये तो पता ही नहीं था। स्ट्रैप अंदर फिट किया हुआ है, मतलब एक बार ले लिया स्ट्रैप चेंज नहीं होगा, तो इसलिए स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी बनाई इन्होंने। ये पहन के दिखाते हैं आपको। तो वॉच मैंने पहन ली है, और भाई सबसे पहले आजकल कायरा दीदी आती है यहाँ पे। वॉच के अंदर का सॉफ्टवेयर एक्जैक्टली सिमिलर है, जो फायरबोल्ट सॉफ्टवेयर यूज करता है वही वाला सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको। तो ये चीज मुझे सच में काफी अच्छी लगी। बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, सिंपल इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर होता है वही चेप देते हैं, वो मेरे को बड़ा गुस्सा दिलाता है भाई। मतलब फायरबोल्ट ने सॉफ्टवेयर प्लस डिजाइन में पूरा अलग काम किया गया। बस अगर आप साइड से देखोगे थोड़ा बहुत सिमिलर लगने वाला है। दोनों वॉच को आपको क्लोजर दिखा रहा हूं। फायरबोल्ट वाली ज्यादा ब्राइट है, और जो क्लोन वाली थोड़ी सी मुझे वेट में ज्यादा लग रही है। 66 ग्राम का वेट है इसका, और अपना फायरबोल्ट है 61 ग्राम का। और फायरबोल्ट थोड़ा सा पतला है, ये वाला थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, और ज्यादा प्रीमियम थोड़ा सा ये लग रहा है। इसके पीछे से ग्लास वाला फील है, लेकिन भाई आपको अगर अच्छा गारंटी वारंटी चाहिए लंबा चलाना फायरबोल्ट ही रिकमेंड करूंगा मैं। इसका एक साल का वारंटी भी तो है। और एक बार इसका होल्ड एंड टेस्ट करते हैं। उठ गया भाई, 61 ग्राम होने के बाद भी इसने उठा लिया। मैग्नेट अच्छा दिया इस बार इन्होंने। चुंबक, एक बार आपको चुंबक का साइज दिखाते हैं। काफी बड़े बड़े दो चुंबक है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्पीकर का भी चुंबक है। मैग्नेट यार, चुंबक बोले में फील आती है वैसे। और अभी बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में। बहुत ही सिंपल है ये वाला गिव अवे, हम लोग फायरबोल्ट के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो आपको सिंपल तरीके से फायरबोल्ट को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप कमेंट लिख सकते हो कि क्या आपको अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, लिख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, सारा चीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज सब कुछ कर लेना, और 10 दिन के बाद अपने इंस्टा पे मैं लाइव आके लिटरली लाइव आऊंगा भाई आप लोग के लिए, और अनाउंस करेंगे अवे 5 यूनिट टू गो। और अभी हम लोग आउटडोर आ चुके हैं, एक बार इसका डिस्प्ले देखते हैं आउटडोर में कैसे परफॉर्म करता है। डिस्प्ले का साइज 1.96 इंच है, देखने में सच में काफी बड़ा डिस्प्ले लगता है। और इसके अंदर 500 निट्स की ब्राइटनेस है, आउटडोर में पूरा पूरा विजिबल रहेगा। अभी भी देख सकते हो पूरा विजिबल है, फुल ब्राइटनेस में कर दिया आउटडोर में और ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी सच में काफी ज्यादा अच्छी बनाई इन्होंने। और एक बार अगर बात करते हैं इसके सेंसर्स के बारे में, तो सबसे पहले मार्बल टेस्टिंग कर लेते हैं। ओ भाई, यहाँ पे इसने दम तोड़ दिया, मतलब मार्बल के अंदर दम है ऐसा बताना चाह रहा है। और अपने पत्तों पर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई, पत्तों के अंदर जान है, लेकिन इतनी भी जान नहीं चाहिए थी कि वॉच उसका हार्ट रेट बताने लग जाए। अपने एप्पल वॉच में एक बार हार्ट रेट चेक करता हूँ अपना, और सेम टाइम पे अपने फायरबोल्ट से भी कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कितना क्लोज रहता है। दोनों ही वॉच आस पास ही बिल्कुल भाई, एप्पल वॉच में 94-95, और दोनों ही वॉच ने लाइव ट्रैकिंग में बहुत ज्यादा क्लोज रखा था। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो फायरबोल्ट की वाली वॉच हार्ट रेट काफी सही सेंस कर लेती है। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बजट वॉचेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हो। अगर कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है डॉक्टर के पास जाओ भाई। बट ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छी वॉच बनाई मेरे हिसाब से फायरबोल्ट ने, मतलब डिजाइन बहुत ही अच्छा है, इसका डिस्प्ले बहुत अमेजिंग है। साइड से अगर आप देखोगे तो कलर में शिफ्ट नहीं आता है डेफिनेटली। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मेन्यू में जा रहे हो यहाँ पे, तो आपको दिखने वाला है कॉल। और कॉल भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, माधव को कॉल करते हैं भाई, बगल रूम में बैठा हुआ है, उसको परेशान करते हैं थोड़ा। हैप्पी न्यू ईयर भाई। अरे क्यूने वाली वीडियो एडिट हो रही कि नहीं भाई? दोस्तों हम लोग की क्यूने वाली वीडियो एडिट हो रही है अभी। ये वाली वीडियो आपको मिलेगी, उससे पहले आपको क्यूने वाली वीडियो मिल चुकी होगी। वैसे भाई आवाज कैसी आ रही है? सच मजाक नहीं कर रहा,
सच में आवाज अच्छी है, वो मैं ग्लैडिएटर से बात कर रहा हूँ फायरबोल्ट के। इनका भाई कॉलिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और ये वाली वॉच सिंगल कॉल कनेक्ट पे फायरबोल्ट 072 कनेक्टेड है। उसके बाद कॉलिंग एंड वॉच का कनेक्शन साथ साथ हो रहा है। और एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, देखो एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे द फिट एप्लीकेशन से काम होगा। इस वाले एप्लीकेशन से आप यहाँ पे वॉच फेस चेंज कर सकते हो और वॉच फेस कलेक्शन में यहाँ पे आपको न्यू ईयर का कलेक्शन आ रखा है। ऑलमोस्ट 200-300 वॉच फेस कलेक्शन मिल जाएगा आपको। एक बार ये वाला लगा देते हैं और यहाँ पे वॉच में लोडिंग स्टार्ट हो गई। अपना वॉच फेस यहाँ पे लग चुका और एक्चुअल में इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और आप देखोगे तो बहुत स्मूथ डिस्प्ले बनाया इन्होंने इस बार, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं वॉच को यूज करने में। फीचर्स के बारे में बात करें, ऊपर से स्क्रॉल करोगे कंट्रोल पैनल आ जाएगा और यहाँ से आप मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो और अगर आपको कॉलिंग ऑफ रखना है यहाँ से आप कॉलिंग ऑफ कर सकते हो। कॉलिंग ऑफ करने से आपकी बहुत सारी बैटरी बच जाती है, 5-6 दिन की आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कॉलिंग यूज करोगे तो 2 दिन मैक्स, लेकिन अगर आप हेवी ड्यूटी में बात करोगे अपने महिला मित्र से तो लंबी बैटरी के लिए 1 दिन चल जाएगा, मतलब 2-3 घंटे कॉल कर सकते हो वैसे। लेकिन भाई मुझे लगता है आपको फोन पे बात करनी चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन रहेगा। वैसे वॉच में आप नीचे से स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन पढ़ने में आसान होता है, पैराग्राफ फॉर्म में होता है और यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हो। देखो मेरी ओटीपी आ रखी है 50,000। फुल एंड फाइनल बात करें फायरबोल्ट ग्लैडिएटर के बारे में, तो इसको यूज करने के बाद मुझे क्लोन वाला फील तो डेफिनेटली नहीं आया है। लेकिन भाई इसका डिजाइन एक तरफ से काफी सिमिलर है, दूसरी तरफ से बहुत डिफरेंट है और बैक से तो एकदम ही डिफरेंट है। क्लोन वॉचेस में ना होता क्या कि आपको ट्रैक नहीं करता है, कॉल वॉल डिस्कनेक्ट होता रहता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होती रहती है। बस इसका लुक एक्जैक्टली सिमिलर है, एकदम ओरिजिनल वाला लगता है फील। डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, टाइम आराम से बता देता है, एप्लीकेशन सपोर्ट भी रहता है, तो उसके लिए अच्छा है कि वो टाइम देखना है और थोड़ा बहुत शोबाजी करना है। लेकिन फायरबोल्ट के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो जो कि एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच में आप कर सकते हो। इसी नोट के साथ इस वीडियो को लेते रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। लाइक कर देना भाई, साल की पहली वीडियो, इसको मस्त ऐसे बूम कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।